नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विदेश जाने वाले लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अभी वो भूल जाओ आप RT-PCR टेस्ट, कोविड टेस्ट, वो तो फेल हो गए भाई, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आम आदमी में कोविड निकल रहा है कोई मतलब नहीं है। हालांकि इंडिया में आंकड़े कम हो चुके हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे देशों की जो फ्लाइटें, खासतौर से गल्फ देशों की बात करें, कतर को छोड़ के 5-6 देश हैं, सबकी सब फ्लाइटें बैन हैं। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि इस महीने में सब ठीक ठाक हो जाए, आंकड़े 8-10 हज़ार पर डे आ जाए, पूरी इंडिया में फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं, कोविड के जो इंजेक्शन, कोविड के जो टीके हैं, वैक्सीन, वो हो जाए। तो ऊपर वाले से हम दुआ करेंगे जल्दी से इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। तो यार, गरीब बंदे जो बेचारे बैठे हैं विदेशों से आके या इंडिया से आके विदेशों में जाने वाले हैं, वो कुछ रोज़गार लग जाए तो उनका भी परिवार पल जाए, रोजी रोटी मिल जाए। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी पहले तो COVID-PCR टेस्ट मिल करवा रहे थे लोग जा रहे थे, अभी सभी देशों ने, ये कोई नॉर्मल सी बात हो गई भाई, सभी देशों ने एक तय सीमा कर दी कि जिनके कोविड वैक्सीन लगा है उसी को हम एंट्री देंगे। जी हाँ, अब इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया का जो कोवैक्सीन टीका है, वो इंडिया का टीका है आप सबको पता है, उसको अभी अदर कंट्री पे आप जाओगे एयरपोर्ट पे उसको मान्यता नहीं है क्योंकि उनको WHO ने भी उसको मान्यता नहीं दी है भाई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कोविशील्ड एक टीका ऐसा है जिसको WHO ने मान्यता दी है, वो इंडियन और ब्रिटिश का मिला जुला एक टीका है, उसको सब लोग ठीक है, उसको एग्री कर रहे हैं, तो वो टीका आपको लगवाना पड़ेगा तभी आपको दूसरे एयरपोर्ट पे या दूसरे देश, जो जिस देश आप जाना चाहते हैं, खासतौर से सऊदी अरबिया, दुबई, कोई भी देश आप जाना चाहते हैं, तो आपको एंट्री आराम से मिल सकती है। जी हाँ, तो इससे रिलेटेड हम पूरा प्रोसेस बताएंगे भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगता है, किस बेस पे आप ये कोविशील्ड का जो टीका है वो आप लगा सकते। ऐसे तो नहीं है कि आप मुँह उठा के चले गए, आपका टीका लग गया, ऐसा तो कोई संभव नहीं है। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यह तो सीधी सी समझ में आ गई होगी कि कोविशील्ड का टीका लगवा के ही आप विदेश जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। परेशानी यही है कि भाई टीके टाइम पे इंडिया में नहीं मिल रहे हैं लोगों को, सबसे बड़ी परेशानी क्या है। जैसे मैं मेरी क्षेत्र की बात करूं, राजस्थान सीकर में, सीकर चूरू झुंझुनू के बहुत सारे पब्लिक है जो विदेश जाना चाहती है लेकिन उनको टीके नहीं मिल रहे हैं, कोविशील्ड के जो डोज हैं वही नहीं है, तो फिर आपको पता है दिक्कत आएगी। दूसरी प्रॉब्लम डोज में समय का ज़्यादा, 2-3 महीने आपको पता है, पहले 84 दिन कर दिए, 80 दिन कर दिए, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। अब 3 महीने बंदा कोई रुक सकता है क्या, अब विदेश जाना उनको इस महीने में टीका कैसे लगे, ठीक है। तो समय का गैप हो गया ना इसमें, डोज में 80 दिन 60 दिन का ऐसे कुछ टाइम अलग अलग जगह पे अलग अलग बताया जा रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होगी तो वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, एंट्री नो, उसकी एंट्री नहीं मिलेगी आपको, वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, डोज की कमी की वजह से। इस सिस्टम को देखिए, हमारे राजस्थान में ये ठीक है, सुविधा मिल चुकी है, ये आपको करना पड़ेगा भाई, आपको ये बातें प्रशासन के, कलेक्टर के, लगभग कलेक्टर का ही होता है उसमें प्रोसेस, कलेक्टर को ज्ञापन देना, उनकी मांग करना, आपके विधायक हैं उनको मांग करना कि भाई हम विदेश जाना चाहते हैं, हमें टीका चाहिए। हमारे राजस्थान में सीकर की बात करें तो अभी टीके लगने स्टार्ट हो चुके हैं कल से। जी हाँ, उनको अलग से प्रोसेस कर दिया, जो विदेश जाने वाले हैं उनका अलग से प्रोसेस कर दिया, उनका टीके अलग ही लगा देंगे। जी हाँ, और उसमें टाइम की बात करें तो आम आदमी के 80 दिन 60 दिन ऐसे लग रहा है, उनका टीका कैसे लगेगा, जैसे एक टीका आज लगाया तो 28 दिन का गैप तो होना ही होना है। अब बहुत सारे लोगों ने एक टीका लगवा लिया, दूसरे टीके नहीं मिल पा रहे थे, टाइम लग रहा था, 28 दिन का गैप तो होगा, ये नहीं तो हो नहीं सकता कि भाई आपके वीज़ा में मान लो 15 दिन बचे हैं, एक टीका आपने आज लगवा लिया, एक टीका 14 दिन पहले लगवा लिया, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, 28 दिन का गैप आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपको वो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, वो भी आपको चाहिए होता है, वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, ऐसे उसको मान्यता, टीका लगाया कोई पता थोड़ी है, वो प्रमाण पत्र ही, सर्टिफिकेट ही होगा कोवैक्सीन दोनों का, उसमें डेट, पासपोर्ट नंबर, कौन सी सीरीज लगी है, कोविशील्ड लगी है, कोवैक्सीन लगी है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ आता है, वो भी आपको चाहिए होता है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। जैसे अभी बात करें राजस्थान में, राजस्थान में बता दूं अभी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसमें कुछ नहीं, बंदे को पासपोर्ट लेके जाना है और आपके पास कोई टिकट, कोई वीज़ा, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, ये नहीं कि आप विदेश जाना चाहते हैं इसलिए टीका लगवा रहे हैं, नो, आपके पास वीज़ा होना चाहिए तभी आपको कोविशील्ड का जो टीका वो लगेगा, ऐसे टीका नहीं लगेगा। जी हाँ, और जैसे पंजाब में बात करें तो भाई पंजाब में अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और उन डॉक्यूमेंट की जांच भी होती है, आपने जो वीज़ा लेके जा रहे हैं ऐसे नहीं कि आपने, ठीक है ये फॉर्मेलिटी होती है, कौन वीज़ा चेक करता है भाई, ऑनलाइन कौन चेक करने के लिए बैठा है,
लोग वीज़ा, अब देखना इसमें ये भी मैटर आएंगे, आने वाले पेपर में आ जाएगी कि डॉक्यूमेंट फर्जी लेके गए, वीज़ा नकली वीज़ा एडिट करके ले गए कि हमें विदेश जाना है टीका लगवाने के लिए, ऐसा भी प्रोसेस लोग कर लेते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करनी है, कल को डॉक्यूमेंट आपको चेक हो जाता है तो आपके ऊपर 420 का मुकदमा लग सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। कोविशील्ड का या कोई भी टीका लगवाने के चक्कर में झूठ बोलना, डॉक्यूमेंट फर्जी दिखाना, ये बिल्कुल न करें, वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई सरकार एक्शन ले सकती है। जी हाँ, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके लिए पूरी डिटेल, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, टिकट वगैरह, किस काम से जा रहे हो, कौन सा वीज़ा वगैरह, पूरी डिटेल आपको इसमें भरनी पड़ सकती है। जी हाँ, 28 दिनों का अंतर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म है ये भरना पड़ेगा 31 अगस्त तक जो लोग विदेश जा रहे हैं, ये जैसे अभी जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त दो महीने का ये प्रोसेस है, 31 अगस्त तक जो लाग रहे हैं ये पंजाब का मैं बता रहा हूँ। पंजाब में इस तरह, हालांकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्य सरकारें अपना नियम बना सकती हैं, ठीक है। हमारे राजस्थान में पासपोर्ट नंबर और वैलिड वीज़ा वो मांगा है, अभी पंजाब की बात करें तो ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा जिसमें आपका नाम होना चाहिए, आपके माता पिता, आपके फादर एंड मदर का नाम होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर, लिंग, आप कौन स्त्री हैं या पुरुष हैं वो आपको भरना पड़ेगा, जन्म डेट आपको फॉर्म में, मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, डेट ऑफ फर्स्ट डोज जो लगवाई थी कोविशील्ड की उसकी भी डेट आपको डालनी पड़ेगी, कैटेगरी के बारे में बताना होगा कि आप स्टूडेंट हैं, विदेश में नौकरी के लिए जाना चाह रहे हैं या ओलंपिक के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें फॉर्म में भरनी होगी। आगे अगर पंजाब सरकार ने जो नियम बनाया उसमें यह प्रूफ देना होगा कि 31 अगस्त से पहले मुझे बाहर जाना है, इसके लिए आपके पास वीज़ा, आपकी जॉब या ऑफर लेटर हो सकती है, यूनिवर्सिटी द्वारा अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड जा रहे हैं तो आपके पास दस्तावेज डॉक्यूमेंट होंगे कि भाई इससे पहले मुझे जाना होगा। जी हाँ, जिस कंट्री में जाना है उसके बारे में आपको बताना होगा, वीज़ा नंबर उसमें डालना पड़ेगा, फ्लाइट की टिकट के बारे में भी बताना पड़ेगा। जी हाँ, ये फॉर्म भरने के बाद में जो बंदा जो डोज लेना चाह रहे हैं उसको सिविल सर्जन या SDM वैक्सीन की दूसरी डोज वाला सर्टिफिकेट जारी करेंगे। जी हाँ, ये पंजाब का प्रोसेस है, राजस्थान, बिहार, यूपी, दिल्ली या फिर हिमाचल, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कुछ नियम हो सकते हैं, हमारे राजस्थान में इजी है भाई, आपको कुछ नहीं लेके जाना, डोज लगवाने के लिए पासपोर्ट और वैलिड आपके पास वीज़ा है वो लेके जाओ और आपका टीका लग जाएगा। पंजाब वाले ने बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रखा है, बाकी ये करना पड़ेगा मजबूरी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बस ये अपडेट देनी थी। अगर आप भी किसी देश में जाना चाह रहे हैं, आपके स्टेट में, आपकी तहसील, आपके ज़िले में ये कोविशील्ड का टीका नहीं लग पा रहा, तो आप मांग कर सकते हैं अलग से आपके जो भी सीनियर अधिकारी हैं वहाँ पे कि भाई हमें विदेश जाना है, ये मेरा वीज़ा कैंसिल हो रहा है, मुझे इजाज़त दी जाए, मुझे टीका लगवाया जाए ताकि मैं मेरे काम पे जा सकूँ, तो आराम से ये प्रोसेस हो सकता है। केंद्र सरकार ने भी अब तो भाई इस पे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, और केंद्र सरकार अगर करती है तो पूरे इंडिया में एक जैसा ही माहौल बन जाता है, एक जैसे नियम लागू हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो विदेश जाना चाह रहे हैं वो कोविशील्ड का टीका लगवाएं, बार बार लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर टीका कौन सा लगवाएं, कोविशील्ड का टीका लगेगा, कोवैक्सीन टीका वैलिड नहीं है, स्पुतनिक टीका है वो भी वैलिड नहीं है भाई, जो रूस का इंडिया में आ रहा है, बाकी फाइजर वगैरह जो एक दो टीका और हैं जो जॉनसन एंड जो वो अगर इंडिया में आ जाते हैं तो वो तो वैलिड है ही है, उनकी कोई टेंशन नहीं है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।